इजी लेवल था, इजी लेवल था। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 99। एक 99? अरे क्या बात है, एक क्यों छोड़ दिया? अरे भाई पेपर तो बहुत दबाया भाई। बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। कितने अटेम्प्ट मारे? अटेम्प्ट तो मैंने 70 करे हैं भाई। कुछ भी ना, बहुत इजी पेपर है। अच्छी इंग्लिश अच्छी थी, मतलब अच्छी मुश्किल थी या अच्छी आसान थी? तैयारी कैसी है आपकी? एक नंबर की। एक नंबर, मतलब पूरे 100 के 100 अटेम्प्ट मार के आओगे? एग्जाम की सेकंड शिफ्ट चल रही है और अब हम पहुंच चुके हैं, सेकंड शिफ्ट खत्म होने वाली है। जैसी सेकंड शिफ्ट खत्म होती है, बच्चे बाहर निकलेंगे, उनसे रिव्यूज लेंगे, सारा एनालिसिस करेंगे। चलो वहीं चलते हैं और बाहर खड़े होते हैं। टाइम हो रहा है 1:02 और बच्चे बाहर आने स्टार्ट हो चुके हैं। इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है, पर जिसने पढ़ा होगा वो निकाल लेगा। कितने अटेम्प्ट करके आए हो आप? मैंने अराउंड 70 करे हैं। 70 अटेम्प्ट करे हैं। इजी लेवल था, इजी लेवल था। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 99। एक 99? अरे क्या बात है, एक क्यों छोड़ दिया? अरे वो क्लिक करने लगा वो टाइम। अच्छा, मतलब आते सारे थे आपको? आते थे पर था कुछ, एक दो मैंने कैसे किए। कोई क्वेश्चन वगैरह याद हो अगर आपको? बस कुछ सोल्टियस लेक वगैरह थे याद, तो ऐसे सच। इंग्लिश में कुछ याद हो? इंग्लिश में एरर फाइंडिंग ज्यादा थे। एंटोनिम्स का या इडियम फ्रेजेस का कोई वर्ड याद हो अगर? वियर्ड का एंटोनिम पूछा था। अच्छा, बस इतना ही याद है। क्वेश्चन वगैरह कुछ याद हो? कैसा लेवल था, क्या था? मॉडरेट लेवल ही था। अच्छा, कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैं 65 ही। 65 कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी करी थी? नहीं, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करी थी। अच्छा, तो कोई क्वेश्चन अगर याद हो इंग्लिश का या जीके का कुछ याद हो, मैथ्स का कुछ? मैथ्स का अलजेब्रा से था। अच्छा, वो x+1/x होता है ना, वो दिया हुआ था 1/x²+x² निकालना। तो टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। अच्छा, एफिशिएंसी दी हुई थी। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट था। आपका भैया, आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने 62 अटेम्प्ट किए थे। आसान था पेपर। अच्छा, शिफ्ट का तो बहुत आसान। तो ये सारे जो आते थे वो अटेम्प्ट किया, कोई तुक्का भी लगाया नहीं? नहीं नहीं, अटेम्प्ट किए थे सारे जो आते थे। कोई क्वेश्चन अगर याद हो आपको? ये ओलंपिक से 3-4 क्वेश्चन थे करंट के। अच्छा, करंट के थे? टोक्यो ओलंपिक्स के? नहीं, टोक्यो के नहीं। वैसे तो सही रहा, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पेपर। कैलकुलेटिव था? हां, कैलकुलेटिव पेपर था। और मैथ रीजनिंग थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव थी, इंग्लिश नॉर्मल थी और जीएस भी थोड़ा सा। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 75+। 75+, तो मतलब जो अटेम्प्ट किए सारे आते थे, कोई तुक्का वगैरह? नहीं नहीं, तुक्का वगैरह नहीं, सारे जो आते थे सही सही करके। वैसे तो ठीक करे हैं, बट 75+ श्योर है। अच्छा, और उसमें कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो? क्वेश्चन तो स्टैटिक से पूछे थे और अलजेब्रा, मैथ में अलजेब्रा ज्यादा। स्टैटिक जी क्या? हाँ, स्टैटिक जी के। करंट वगैरह? करंट भी थी बट ज्यादा कोई करंट का वेटेज नहीं था, थी तो लास्ट 3 मंथ की। भाई पेपर तो बहुत दबाया भाई। बहुत दबाया? हां, इसमें मैं सबसे ज्यादा दी थी। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने तो करीब 75 करीब अटेम्प्ट किया है। 75 अटेम्प्ट किए? हां जी सर। उसमें मतलब क्या टफ क्या लगा आपको, कौन सा क्वेश्चन? उसमें तो मैथ को हार्ड लगी सबसे ज्यादा। मैथ्स हार्ड आई? हाँ। अच्छा, मतलब कैलकुलेटिव थी, किस टाइप की थी? मतलब आर्थमेटिक तो ठीक ही, जब जो आते ना मैथमेटिक्स। कितने अटेम्प्ट मारे? हम 52 मारे। 52 अटेम्प्ट मारे? अच्छा, और क्या मतलब कौन सा ऐसा टॉपिक था जो नहीं आ रहा था समझ, कहाँ दिक्कत आ रही थी? थोड़ा इंग्लिश वाला समझ में नहीं आ रहा। इंग्लिश वाला समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश वीक है, हिंदी मीडियम से हो गए। ये भाई भाई हैं जो सुबह मिले थे, हमें कैसा हुआ पेपर? बता, पेपर कैसा हुआ? बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। कितने अटेम्प्ट मारे? अटेम्प्ट तो मैंने 70 करे हैं। 70 करे, तो कोई क्वेश्चन वगैरह अगर याद हो? क्वेश्चन वगैरह तो अभी तो याद नहीं है। जीके का इंग्लिश का कुछ तो याद होगा? जीके में कोई करंट का वो क्या था क्या नहीं था? जीके में करंट के थे एक आधे। कोई एक आधा याद हो सवाल? मेरे को अभी याद तो कुछ भी नहीं है। चलो, मतलब जो अटेम्प्ट करे हैं सारे आते थे आपको? आते थे। जितने करे हैं लगभग सारे सही निकलेंगे? चलो फिर, मतलब कुल मिला 70 करे तो 65 तो सही निकलेंगे ही निकलेंगे। अच्छा, बाकी देखो। चलो, मतलब सवाल कोई याद नहीं है आपको? सही में मैं आके फिर बैठ गया। मैथ्स कैसी कैलकुलेटिव थी, कैसी थी? मैथ्स ठीक थी, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, भगवान करेगा, बहुत बढ़िया नंबर आए आपके, आपको भी ऑल द बेस्ट। हाँ भैया, कैसा हुआ पेपर आपका? बढ़िया पेपर, बढ़िया हुआ। कितने अटेम्प्ट किए भाई? करे 87 अटेम्प्ट करे। तो मतलब क्या चीज़ थी जो जिसमें दिक्कत आई सवाल करने में? भाई कुछ भी ना, बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी है। कोई सवाल वगैरह अगर याद हो आपको? करंट अफेयर से ही, ज्यादा नहीं, 2-3 सवाल, 3-4 सवाल करंट अफेयर से। और इंग्लिश में कुछ याद हो? इसमें भी याद तो शायद है नहीं, पर मतलब बढ़िया पेपर है। और मैथ्स और इंग्लिश का लेवल कैसा था? मैथ तो बहुत इजी है, सबसे ज्यादा इजी मैथ, बहुत इजी थी। कैलकुलेशन वगैरह में कोई दिक्कत तो नहीं? कैलकुलेशन नहीं थी, इतने भी नहीं थी। मैथ्स में पूरे सवाल करके आए? मैथ में थोड़ा सा टाइम रहेगा यार, 18 तक ही कर पाया। चलो कोई बात नहीं, मतलब कुल मिला के जो करा सारा सही हुआ आपका? हाँ कह सकते हैं। चलो बढ़िया है भैया, ऑल द बेस्ट, भगवान करे बहुत बढ़िया नौकरी लगे आपकी, ऑल द बेस्ट। हाँ भैया, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ठीक था, एवरेज था, अगर जिसकी मतलब टाइम स्पीड कैलकुलेशन जो करने की तेज है तो वो कर लेगा आराम से। तो आपने कितने अटेम्प्ट मारे? मैंने 56 करे, लेकिन मेरे 56 के 56 सही करे, सारे के सारे सही करे। हाँ जी। तो मतलब कौन से टॉपिक में क्वेश्चन कम कर पाए आप? मैंने जी इंग्लिश नहीं छुई बिल्कुल भी। इंग्लिश छुई नहीं? हाँ जी, मैंने खाली जीएस और
अपनी रीजनिंग और मैथ यही सब करेंगे। मेरा फर्स्ट टाइम। कोई सवाल अगर याद हो आपको? ये सवाल तो बहुत सारे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत सारे आ रहे हैं जी। कोऑर्डिनेट से भी आ गए? हाँ जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और ज्योमेट्री से बहुत आ रहे हैं। अच्छा, कोई इंग्लिश ज्योमेट्री? इंग्लिश जीके का एक आधा ही याद है, इतना मैं मतलब करंट अफेयर तो वैसे मैं पढ़ता नहीं हूँ। हाँ जी भैया, कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने 60+। 60+ अटेम्प्ट किए, कैसा लगा आपको लेवल, कैसा लगा पेपर का? लेवल इजी था, मतलब इंग्लिश अच्छी थी। अच्छा, और रीजनिंग इजी थी। अच्छा, अच्छी इंग्लिश अच्छी थी, मतलब अच्छी मुश्किल थी या अच्छी आसान थी? आसान 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 थी। और मैथ्स और जीके? मैथ जीके मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया मैं। अच्छा, लेकिन मैथ्स मतलब लेवल की थी। और तो मतलब कोई ऐसा टॉपिक हो जिससे ज्यादा सवाल आए हुए थे? ये थे प्रॉफिट वाले, वो थे परसेंटेज वाले, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में ज्यादा सवाल थे। कोई सवाल अगर याद रह गया वो इंग्लिश का, जीके का, मैथ्स का? हाँ भैया, CHSL का पेपर आज? कौन सी शिफ्ट? 3 में? 3rd में। 3 से 4? तैयारी कैसी है आपकी? 1 नंबर की। 1 नंबर, मतलब पूरे 100 के 100 अटेम्प्ट मार के आओगे? 100 के 100 सुबह वाला तो मैंने एनालिसिस डाल दिया, ये वाला भी डाल दिया, आप देख लेना। बाकी बच्चे तो यही बता रहे हैं इजी टू मॉडरेट है। इजी है, बच्चे तो यही बता रहे हैं, बाकी हमने तो दिया नहीं पेपर, अब देख लेंगे हम। हाँ, चलो भगवान करे पूरे 100 के 100 अटेम्प्ट हो आपके और टॉप करो। आप यही कर दो दुआ तो। हाँ, दुआ ही दुआ है भैया, टॉप करो और बढ़िया नंबर लाओ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मास्टर एजुकेशन। हाँ चलो भैया, ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ जी भैया, कितने बजे आपका पेपर? मेरे 3 से 4 है। 3 से 4 है पेपर, तो टाइम पे पहुँच गया, आप तो जल्दी पहुँच गया। कैसी तैयारी है? एवरेज है तैयारी। कोई नहीं, पेपर भी एवरेज ही आ रहा है, एनालिसिस जितने बच्चों से पूछा है सारे एवरेज ही बता रहे हैं। Okay. मतलब कोई कोचिंग खुद करी है या सेल्फ स्टडी करी है या कोई कोचिंग वगैरह ली थी? ली थी मैंने 1 साल पहले क्लास। कोचिंग ली थी आपने? अभी सेल्फ स्टडी पहला अटेम्प्ट है या कोई दिया पहले? दे रखा मेरा वो 2019 वाले का, मैंने सेकंड ईयर भी दे रखा है। तो क्या रहा उसमें? अभी उसका रिजल्ट आने वाला सितंबर। हमने सेकंड शिफ्ट का रिव्यू ले लिया है, पूरा एनालिसिस हो गया, बच्चों ने बताया कैसे लेवल का पेपर आया, कैसे नहीं आया। कॉलेज के बाहर ही खड़े हैं, आप जा रहे हैं घर, घर जाते ही जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी इस वीडियो को डाल देंगे और आप लोगों की मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर पाएंगे। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ पेपर देने टाइम पे पहुँचे। आज भी मैं अभी तक शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों शिफ्ट में होकर आ चुका हूँ और मैंने दोनों शिफ्ट में कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जो लेट हो गए थे और उसकी वजह से उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। तो भाई, आप लोगों ने इतने लंबे समय से मेहनत करी होती है इस एग्ज़ाम के लिए, आपकी भी मेहनत होती है, आपके पेरेंट्स की भी आपसे कोई उम्मीदें होती हैं। तो भाई, मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जब इतनी मेहनत करते हो तो पेपर टाइम पर पहुँच जाओ ना यार, 2 मिनट लेट होते हो, 2 मिनट लेट होने की वजह से अंदर नहीं घुसने दिया जाता। तो यार, आप 1 घंटा जल्दी पहुँच जाओ, वहाँ पर आपका कुछ जा थोड़ी रहा है। और उसी के साथ साथ बहुत से लोग थे जिन्होंने बेल्ट्स लगाई हुई थी, साथ किसी ने एक्सेसरीज़ वगैरह थी जिन्होंने मतलब कुछ पहना, ऑर्नामेंट्स कुछ, किसी ने भी कुछ भी पहना हुआ था, सबको दिक्कत आ रही थी। बेल्ट्स वाले तो बहुत से लोग थे जिनको पता नहीं था, सबकी बेल्ट्स उतरवाई जा रही थी वहाँ पर। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखो और टाइमली पहुँचो। और अगर आप लोग देखना चाहते हो कि तुक्का वगैरह कैसे मारें, कि एग्ज़ाम में गैस कैसे करें, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है और जो जो चीज़ें होती है मैंने सब पे वीडियो बनाई हुई है। और Shift 1 Shift 2 दोनों का एनालिसिस कर चुका हूँ, Shift 3 का एनालिसिस भी करूँगा अभी थोड़ी देर में, और उसके बाद पूरे दिन के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करूँगा, हर टॉपिक से, हर पोर्शन से जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सबको कंपाइल करके रात को 7-8 बजे के आसपास एक वीडियो डालूंगा और उसमें आपको आज के दिन के सारे सवाल मिल जाएंगे। और वो वीडियो ज़रूर देखना, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए।